हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका उज्जैन इन्फो मस्ती। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा भर्ती 2022 ये डायरेक्ट भर्ती है जो कि NVS 2022 के फॉर्म आ चुके हैं और इसको आप कैसे बिना गलती के फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन, ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये TGT PGT PET और लाइब्रेरियन टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और वीडियोज़ बना सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम आ गए नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ड्राइव प्लस में है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 से 23, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा आपके पास और इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके भी यहाँ पहुँच सकते हो। बाकी मैं पहले इसका नोटिफिकेशन बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जो नोटिफिकेशन लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को द्वारा देख सकते हो। तो देखो, देख सकते हो ये है इसका नोटिफिकेशन, नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, क्या कोड है उसका, पोस्ट का क्या कोड है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये पूरी चीज़ इसके अंदर दी हो रखी है अच्छे से, आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। सिलेबस भी इसके अंदर पूरा मेंशन कर रखा है, कौन कौन से स्टेट्स में ये विद्यालय हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अब सिंपली आ जाते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 से 23, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा ये प्रोसेस लेगा, कभी कभार 5 मिनट भी ले लेता है, कभी कभार 1 मिनट भी ले लेता है। तो जैसे भी आपका कंप्यूटर की स्पीड है उस हिसाब से ये लेगा। और यहाँ देख सकते हो जहाँ आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली इसको भरना स्टार्ट कर देना है। जैसे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई मिडल नेम है जैसे रमेश कुमार चंद जैसा कुछ ऐसा नाम होता तो आप बीच में जो मिडल नेम है वो भी डाल सकते हो। तो इनका सोनू अहिरवार, तो लास्ट नेम डाल दिया। मदर नेम डाल देना, फादर नेम डाल देना, यहाँ कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर दिया है तो आपको आप सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस में आपको सिंगल या मैरिड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन में आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको जनरल SC ST OBC जो भी आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जनरल के लिए फीस है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए 2000, PGT के लिए 1800 और TGT के लिए 1500, और जो SC ST PH वाले हैं जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि SC कैटेगरी का है तो इनका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, नीचे आएंगे आपको तो आर यू डिफरेंशियल एबल विथ 40%, इस पर नो कर देना है। बाकी आर यू रेगुलर NVS एम्प्लॉय, इस पर नो करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर नो करना है। जम्मू एंड कश्मीर का रोमिस पर नो करना है। एक्स सर्विसमैन पर नो कर देना है। अब आपको सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी कंप्लीट। आपको जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली कितने आप साल के हो चुके हो वो पूरा यहाँ एज एज ऑन 22/7/2022 तक कैलकुलेट होके आ जाएगी। जैसे कि ये 27 साल के हो चुके हैं। एड्रेस में आपको सिंपली आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस दिया हो वो आपको एड्रेस डाल देना है। और यहाँ आपको स्टेट चूज़ कर लेना, जैसे कि मैंने स्टेट चूज़ कर लिया दिल्ली, ये वेस्ट दिल्ली के। और यहाँ पिन कोड आपको डाल देना है, जो भी आपका एरिया का पिन कोड लगता है वो आपको डाल देना है। यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ उसी कॉन्टैक्ट नंबर को कन्फर्म कर देना है। ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। नीचे आएंगे, अब आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये प्रिंसिपल के लिए ये अप्लाई नहीं करना, ये PGT के लिए, ये हमें TGT के लिए अप्लाई करना है, इसलिए हमने TGT को सेलेक्ट कर लेना है। TGT को सिलेक्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट चूज करना है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो मैंने मैथ सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इन्हें मैथ्स का भरना है। ठीक है, अब इसमें लिखा है आपको इस पर येस कर देना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैच करती है, हाँ क्वालिफिकेशन मैच करती है, येस कर दिया हमने। CTET का पेपर 2 क्लियर है, येस कर दिया हमने। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो हमने लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर दिए। सिलेक्ट लैंग्वेज फॉर पार्ट 4th
ऑफ द टेस्ट, जो फोर्थ पार्ट होगा टेस्ट का, वो आपका हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली इस पर डू यू फील फुलफिल, ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इस पर येस कर देना है। ठीक है, आपको आपको सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सा सेंटर चाहिए, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो मैंने यहाँ न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, नोएडा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैंने फरीदाबाद सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये नियर बाय है हमारे लोकेशन के। ठीक है, अब आपको टेंथ की आपको डिटेल्स फिलअप करनी है, तो आपने कौन से सन में पास किया था, तो मैं इसको ऐसे ही रफली भर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो मर्जी, जो भी आपने टेंथ करी है वो आप डेट डाल सकते हो। ठीक है, यह आपको किस आपने बोर्ड से कर रखी है, यूनिवर्सिटी से कर रखी है, इंस्टीट्यूट से कर रखी है, वो आपको लिख देना है। जैसे CBSE है, MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, आपको बोर्ड लिख देना है। तो यहाँ CBSE बोर्ड लिख दिया मैंने 87%, जितनी भी आपकी परसेंटेज लिखी हो, ठीक है, उस पर तो आप वहाँ परसेंटेज लिख सकते हो। और ट्वेल्थ आपने कब करी है पास, तो 2012 CBSE, और कितनी परसेंट आई अपनी परसेंटेज लिख दी। BEd आपने नेम ऑफ डिग्री, तो BEd का BEd लिख देंगे। मैथमेटिक्स से भी करता कोई BEd, तो BEd मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं या सिंपली BEd भी लिख सकते हैं। और कब आपने BEd को पास किया है, तो BEd को पास मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखना है। जब भी आपने पास किया हो, जो भी आपकी मार्कशीट हो उस पर लिखा होता है, आपको उसको देख के लिखना है। ठीक है, कहाँ से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो पूरा नाम लिखना है। ये ड्यू लिख दिया मैंने, आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपके विद्यालय का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वहाँ मैंने लिख दिया ड्यू, ड्यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी आपके विद्यालय का पूरी यूनिवर्सिटी है वो आपको लिखना है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो सकता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो आपको यूनिवर्सिटी यहाँ टाइप कर देना है। अब आपको ग्रेजुएशन आपने क्या कर रखा है, BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BCom कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है, जैसे BSc ऑनर्स कर रखा है तो BSc ऑनर्स मैथ लिख दिया। ठीक है, आप BSc मैथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपने BA कर रखे, BA हिंदी लिख रखा है, जो भी है आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, कब आपने कर रखा है, पासिंग ईयर लिख दिया आपने, और कहाँ से कर रखा है और कितनी परसेंट से कर रखा है, ये सब डिटेल लिखने के बाद आपने अगर मास्टर्स कर रखे तो मास्टर्स की भी डिटेल्स आप यहाँ डाल दोगे। अदरवाइज मास्टर की ज़रूरत नहीं है आपको TGT के लिए, PGD के लिए मास्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सिंपली आपको कैप्चर कोड को यहाँ फिलअप कर देना है, और कैप्चर कोड को फिलअप करके सिंपली सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, क्लिक ओके, तो आपका जो फॉर्म है उसको प्रीव्यू करने के लिए इसने ओके बटन पर क्लिक करवा दिया। अब आप अपने फॉर्म को अच्छे से देख लेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक सिंगल एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आपको नीचे आना है, एक बार पूरी डिटेल्स को अच्छे से देख लेना है, कोई भी अगर दिक्कत लगती है तो आप सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करके उसे हम एडिट भी कर सकते हैं। तो आप प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो अब आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब फोटो सिग्नेचर को कैसे कंप्लीट करना है या रिसाइज करना है, उसको भी मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। हमारे जो फोटो का साइज़ है 0 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और JPG और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, हमने ऑलरेडी इसको 100 KB से नीचे हमने बना रखा है, तो सिंपली हमने इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे ये 100 KB से नीचे है, आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा 100 KB से नीचे है। तो हम सिंपली इसको अपलोड कर देंगे, या हम इसको एडिट करके हम इसको और भी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अगर आपका 100 KB से ज़्यादा है तो सिंपली पेंट में खोल के रिसाइज पे क्लिक करेंगे, पिक्सल पे क्लिक करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। बाकी तो मैंने एक वीडियो में बना रखा है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे हम। ठीक है, सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको सिंपली वही उस पर क्लिक कर देना, और फाइनल सबमिट पे हमें क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा बफर करेगा, हमें वेट करना है, हमें बैक बटन को दबाना नहीं है। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो यहाँ देख सकते हो एक पॉपअप विंडो भी खुल जाएगी और एक मैसेज भी आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो, डू यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म, ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब आपका फॉर्म ऑलरेडी आ जाएगा, आपको सिंपली उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के या अपने PDF फाइल में सेव करके रख लेना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो इनका फॉर्म आ चुका है, हम सिंपली इसको प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट बटन पे हम क्लिक किया और इसको हम सेव एज PDF पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे या अपने फ़ोन से भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैं सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ फ्यूचर के लिए। कभी कभार मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो इसमें से देख के हम लिख सकते हैं एडमिट कार्ड को निकालने के लिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है रेड कलर का उसको दबा दो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, खुश रहो और अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट सभी को।